दीवानी न्यायालय परिसर में 14 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 14 मई को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा साथ ही जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बासगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा इस लोक अदालत में विशिष्ट आपराधिक सामनीय वाद, लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वादों सहित अन्य मामलों का पूरा समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन मामलों का भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 14/5/2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बासगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक सम्मनीयवाद, धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएँ, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों, किराया सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद व अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यातायात संबंधी चालानों को वेबसाइट के माध्यम से जिसका लिंक है vcourt.gov.in के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं।